तो हेलो फ्रेंड्स, यार पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। बात करेंगे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट, किस तरह से कौन सा मैच आपको खेलना चाहिए और कितना जल्दी आप यहां पे कलेक्ट कर पाएंगे, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देख लीजिएगा। बात करेंगे मैजिक क्यूब में से कौन सा बंडल लेना चाहिए और नए बंडल आ चुके हैं, तो वीडियो को यार पूरा जरूर से देख लीजिएगा। तो आज का वीडियो का लाइक एम टारगेट हम 3000 का लाइक एम टारगेट रखते हैं और यार जरूर से एक सब्सक्राइब भी कर देना। नया साल है तो आई होप कि यार सभी लोग जो भी देख रहा है सब्सक्राइब भी कर देगा। तो बात करेंगे यहाँ पे 10 फ्रेगमेंट मुझे कैसे मिले। काफी लोगों को 25 फ्रेगमेंट तक भी मिल रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बस यार आपको यहाँ पे अल्फाइन वाला जो न्यू मैप है वो खेलना चाहिए, क्योंकि यार न्यू मैप के साथ आप यहाँ पे खेल भी सकते हो न्यू मैप, और उसमें से टोकन भी है, मतलब कि फ्रेगमेंट भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आ रहा है यहाँ पे टोटल 4 मिनट आएंगे, तो 4 मिनट वो वाला टाइम आप सर्वाइव लोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, मर जाना है। कैसे मरना है, या तो आप ग्रेनेड से मरो, लैंडमाइन से मरो, किसी बंदे से मरो, लेकिन उस 4 मिनट के बाद आप मरना है, ताकि आपको 100% यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेंगे। आपको 18 मिनट नहीं खेलना पड़ेगा, या फिर क्लैश कोड का 8 या फिर 10 मिनट वाला मैच भी नहीं खेलना पड़ेगा। तो पहले मुझे 3 मैच लगातार 5-5 फ्रेगमेंट मिले, उसके बाद 10 फ्रेगमेंट मिले चौथे मैच में, और पांचवें मैच में भी मुझे 5 फ्रेगमेंट मिले। और इंस्टाग्राम पे मुझे एक बंदा भी बता रहा था कि यार उसको यार 25 फ्रेगमेंट मिले। तो आप किसी में से यार 25 फ्रेगमेंट मिले तो नीचे कॉमेंट करके यार जरूर से बता देना। तो ये आपको ओपी ट्रिक अच्छी लगी है तो बस यार चैनल को अभी से यार सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन कॉल पे डाल दीजिएगा। तो 1 जनवरी का पूरा लेखा जोखा मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या न्यू इवेंट आए और कैसे आपको उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से 5-5 फ्रेगमेंट मिलेंगे, बीच में 10 मिलेंगे, अगर 25 मिलते हैं तो आपका 15 मैचेस के अंदर ही यहाँ पे मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट 100 आपको मिल ही जाएंगे, और उसको एक्सचेंज करके बंडल भी निकाल पाएंगे। तो बंडल अपडेट हो चुके हैं और इसके बाद अभी अपडेट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट अपडेट में 2-3 और डायमंड रोल के बंडल आएंगे, लेकिन यार वो कंफर्म नहीं है। तो अभी तो आ चुके और वाइल्ड फायर वाला बंडल भी निकल चुके हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ अच्छे बंडल तो आए नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन से बंडल लेने लायक है। एक तो ये स्कारलेट यहाँ पे ग्रूम वाला बंडल काफी बढ़िया है, बंडित बंडल यहाँ पे 1 नंबर का रहेगा। फिर टॉप क्लास गेमर भी है, जो कि मैंने कल नहीं बताया था, लेकिन वो भी एड हुआ है मेरे ख्याल से, तो इस तरह से वो बंडल भी है। और यार जो जलने वाला यानी कि एक वाइल्ड फायर वाला बंडल था वो रिमूव हो चुका है, तो वो कब फिर से आएगा वो तो अभी यार कुछ कंफर्म नहीं है। तो कल मैंने कंफर्म आपको बताया था कि ये बंडल आने वाला है, तो फाइनली वो बंडल सारे आ चुके हैं। तो बंडित बंडल यहाँ पे 1 नंबर का रहेगा, टॉप क्लास गेमर है। फिर वो जो ग्रूम वाला बंडल है वाइट कलर का, फिर हमारा पहले से तो ओल्ड बंडल है ही, अगर आपको वो पसंद आते हैं तो ले सकते हो। बाकी यार मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे बंडित से आप काम चला लो अगर नए प्लेयर हो, लेकिन ओल्ड प्लेयर हो गए तो उनको यार ग्रूम वाला बंडल ले लेना चाहिए। तो इस तरह से यार यहाँ पे बंडल तो काफी ज्यादा आ चुके हैं, लेकिन दिवाली टाइम में जो आपको बंडल देखने के लिए मिले थे उसमें से थोड़े बहुत बंडल है, और ये 2 नए वाले बंडल है आप ऐसा बोल सकते हो। तो ये 20 स्टार वाला बंडल भी अच्छा है, जो कि यार पहले से ही था, वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इस तरह से कुछ बंडल है, बाकी यार मुझे कुछ उतना खास लगा नहीं है। तो फ्रेंड्स यार इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, लाइक एम का टारगेट 3000 का है। तो यहाँ पे एक न्यू होप करके एक इवेंट है, यानी कि मैप होप करके, तो इसको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन है, या फिर आप न्यू एज वाले सेक्शन में भी जा सकते हो। तो यहाँ पे टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखो काफी ज्यादा यहाँ पे मिशन दिए गए हैं कैसे कंप्लीट करना है, और यहाँ पे आपको कॉपी कर लेनी पड़ेगी लिंक को, या फिर फ्रेंड में इन्वाइट करोगे तो अगर वो भेजता है तो आपका मेल बॉक्स में दिखाएगा, और उसका कंप्लीट करोगे तो आशिष्ट कंप्लीट हो जाएगा, और इनवाइट करोगे तो यहाँ पे जो 5 लिखा है ना अभी मेरा 0 है, तो वो भी कंप्लीट होता जाएगा। तो लिंक आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हो, या फिर इनवाइट करोगे तो भी आपका काम चली जाएगा। फिर यहाँ पे डेली मिशन होंगे ना तो भी यार हो ही जाएगा, इसके लिए कुछ ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन में आपका इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा तो यार 3 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो देखो 3 मैच खेलने हैं यहाँ पे, एक गेम आपको न्यू मैप में खेलना है, 5 एनिमी वहाँ पे न्यू मैप में मारने पड़ेंगे, 3 गेम खेलने और 1 लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे देखो ये जो चमक रहा है मैप के अंदर, जो यहाँ पे वेंटेज वाला एरिया है वहाँ पे अभी मेरे पास 8 टोकन है, तो मैं टैप करूंगा, फिर से टैप करूंगा, और यहाँ पे अभी 2 डॉट बचे, यानी कि हेक्सागोन वाले 2 यहाँ पे डॉट बचे आप ऐसा बोल सकते हो। तो फिर से यहाँ पे टैप करूंगा, ये फिनिश ए वाला एरिया कंप्लीट हो चुका, अभी मुझे यहाँ पे बेस कैंप में पहुँचा दिया जाएगा, तो ये पहला रिवॉर्ड मुझे मिला।
तो अभी रिवॉर्ड में आप देखोगे ना तो उसी टाइप से आपको रिवॉर्ड मिलते जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे बार बार टैप करता जा रहा हूँ और यहाँ पे ये वाला एरिया कंप्लीट होते ही मुझे यहाँ पे रेन वाले रोड में पहुँचा दिया जाएगा, रेल रोड में। फिर यहाँ पे देखो अनलॉक में आप जैसी टैप करोगे आपको काफ़ी सारे रिवॉर्ड है, और यहाँ पे मेन रिवॉर्ड हमारा परंग का स्किन है जो कि आपको स्नोफॉल वाले एरिया से मिलेगा। तो ये वाला इवेंट आपका 2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देखो रेल रोड में अभी मेरे पास टोकन अभी कम पड़ रहे हैं, तो अभी मुझे कल यहाँ पे फिर से आना पड़ेगा और ये जो आशिष्ट करना है या फिर जो आशिष्ट बाई ऐसा लिखा हुआ है तो वो करोगे तो आपको टोकन मिलेंगे। तो इस तरह से कुछ इवेंट है, इजी इवेंट है एकदम, कुछ का अगर ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। बात करेंगे यहाँ पे फ्री रिवॉर्ड के बारे में, तो यहाँ पे हमारा फाइनल ईयर जो स्टोर ओपन होने वाला था, तो पहले लॉगिन रिवॉर्ड 100% आप ले लेना क्योंकि आज का दिन ही टाइम पीरियड है, बाकी कल आपको नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं क्या क्या इवेंट है, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा फ्रेंड के साथ खेलना है जो कि आपको पेंगुइन का स्किन मिलेगा। फिर यहाँ पे फ्रेंड के साथ खेलना है, रैंक मैच खेलने हैं और आपको यहाँ पे लूट बॉक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो एकदम सिंपल सिंपल इवेंट है। लॉगिन में सर्फबोर्ड मिल चुका है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्सचेंज स्टोर हमारा ओपन हो चुका है, तो इसको भी यार रिडीम जरूर से कर लीजिएगा। कल आपको और टोकन मिलेंगे, यानी कि कल का भी आपके पास टाइम होगा, 4 टोकन और एक्स्ट्रा में आपको मिलेंगे, तो आज के टोकन ले लेना। तो इस तरह से जिन लोगों के पास कम टोकन पड़ रहे हैं वो ले सकते हो कल के दिन भी। तो हमारा जो यार स्टोर ओपन होने वाला था प्रीमियम स्टोर वो फाइनली यार ओपन हो चुका है। तो फाइनली बंडल लेने के बाद अब भी मेरे पास काफ़ी 600 के प्लस टोकन पड़े हुए हैं, तो काफ़ी लोगों के पास यही सेम सिचुएशन होगी कि यार आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा टोकन पड़े हुए होंगे। देख लीजिए फाइनली विंटर वाला बंडल मिल चुका है। बात करेंगे ग्रेनेड स्किन, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था और मैं बोल भी रहा था कि अवतार बैनर भी आएंगे, तो फाइनली अवतार बैनर भी आ चुके हैं। तो बस यार यही कुछ इवेंट थे, आपको और कोई क्वेश्चन है? और कॉल बैक इवेंट भी आ चुका है जो कि यार काफ़ी मुश्किल इस बार मुझे लग रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे देखो नूब आईडी में मेरे ख्याल से मेरा तो नहीं हो रहा है, मैंने जब फेसबुक वाली नूब आईडी से किया तब जाके हुआ। तो अभी मैं आपको उसका भी वीडियो बना के जरूर से सेकंड चैनल पे प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए यार सभी को बाय बाय।